और भाई लोग कैसे हो यार। आपका मैं विशाल तो फिर से लेकर आ चुका है साउथ की 10 न्यू रिलीज मूवीज जो यार भाई हिंदी डब में है और यूट्यूब पर और ओटीटी पर आ चुकी हैं। तो यार आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, एडवेंचर, लव स्टोरी, कॉमेडी, सस्पेंस के साथ साथ बहुत सारी हॉरर मूवीज भी देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हो तो फायदा आप लोगों का होने वाला है और अच्छी खासी हिंदी डबिंग के साथ है तो आप लोगों को भी मजा आने वाला है और बरसात का दिन है तो यार आप लोगों का टाइम पास भी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है और हो सके तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ ताकि यार उनको भी मदद मिल सके। और हमेशा की तरह आप लोगों को हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है। एंड गड्डू नेत्र में देखे तला ताड़ चिट्टी में देखे क्रेट होंगे नंबर 10 पर आती है एंग्री गणेश। एंग्री गणेश 2016 में रिलीज की गई एक कॉमेडी रोमांटिक बेस्ड मूवी है जिसकी एम रेटिंग है 5/10 की, जिसके स्टार कास्ट में वेलेना और सांस दोस्तों ब्रह्मानंदम नजर आने वाले हैं और दोनों कॉमेडियन हैं। तो यार मूवी में भर भर के आप लोगों को कॉमेडी नजर आएगी। ये मूवी हिंदी डब में भी है और ये यूट्यूब पर भी है। ये वैम इंडिया नाम के यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाकर देख सकते हो। बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको आप लोगों को कॉमेडी के साथ साथ अगर आप लोग एक ब्रह्मानंदम की एक्टिंग देखना चाहते हो तो मूवी अच्छी है, ट्राई जरूर करना। इंको फिटिंग पेड़ता पीको लेकर नंबर 9 पर आती है बेसिकली यार ये मूवी है संतोष। संतोष मूवी यार 2024 रिलीज की गई एक थ्रिलर ड्रामा बेस्ड मूवी है जिसकी रेटिंग है 7.1 की, जिसके स्टारकास्ट में सहाना नजर आने वाले हैं। बेसिकली यार कहानी है एक ऐसे इंस्पेक्टर या फिर हवलदार की जो यार भाई एक महिला होती है। अब यार भाई उसे एक बहुत ही बड़ा केस मिलता है और क्या वो महिला पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं, यही आगे आपको देखना है। ये केस एक मर्डर मिस्ट्री केस है तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। हिंदी डब में देखने के लिए आप लोगों को गूगल करना पड़ेगा। दीवान जी आंखें बंद कर सांस ले, सांस छोड़। लिस्ट में 8वें नंबर पर जो मूवी आती है वो मूवी है लिटिल मिस राउथर। ये 2023 रिलीज की गई एक रोमांटिक मिस्ट्री बेस्ड मूवी है जिसकी एम रेटिंग है 5/10 की। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको यार एक बहुत ही लंबे चौड़े लड़के से प्यार हो जाता है। अब ये लड़की है छोटी, कम हाइट की और उम्र भी कम और भाई उसे प्यार हो गया है एक बहुत ही लंबे हाइट के लड़के से। अब इस प्रॉब्लम को ये कैसे झेल पाती है, ये छोटी सी कहानी कैसे एक फिल्म का रूप लेती है, ये आगे आपको देखना है। डायरेक्शन और लव स्टोरी अच्छी है तो हिंदी डब में प्राइम वीडियो पर आप लोग इस मूवी को देख सकते हो। पिन नहीं नहीं करना रखिए। मेबी आई फील लाइक गोइंग फॉर अ राइड। लिस्ट में अगली मूवी आती है 7वें नंबर पर, ये है चेजिंग। चेजिंग मूवी यार 2021 रिलीज की गई एक एक्शन और क्राइम पर बेस्ड मूवी है जिसके रेटिंग है 4.2 की, जिसमें यार आप लोगों को वारालक्ष्मी नजर आने वाले हैं। बेसिकली यार ये मूवी आप लोगों को यूट्यूब पर नजर आ जाएगी हिंदी डब में, वो भी यार भाई हिंदी डब के यूट्यूब चैनल पर। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है जिसमें यार एक पुलिस वाले की कहानी है जिसको एक किस मिलता है। इसमें भी यार बहुत ही अच्छी कहानी दिखाई गई है तो आप लोग मूवी को ट्राई जरूर करना हिंदी डब यूट्यूब चैनल पर। लिस्ट में 6वें नंबर पर जो मूवी आती है ये वो मूवी है जेम्स एंड एलिस। ये 2016 में रिलीज की गई एक एक्शन और रोमांटिक बेस्ड मूवी है जिसकी एम रेटिंग है 6.4 की, जिसमें आप लोगों को सुकुमारन नजर आने वाले हैं। बेसिकली यार कहानी है एक लड़की की जो यार भाई एक लड़के से प्यार करना स्टार्ट कर देती है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि यार उसका दिमाग कमजोर है। अब वो लड़की से लड़के शादी कर लेता है। अब आगे जो होने वाला है वो यार आप लोगों को थ्रिलर के साथ समझ आने वाला है। बेसिकली यार ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मूवी आपको देखकर समझ आएगा। जियो सिनेमा पर हिंदी डब में है। लिस्ट में 5वें नंबर पर जो मूवी आती है वो मूवी है कंज्यूरी। कंज्यूरी कंपम मूवी यार 2023 रिलीज की गई एक हॉरर कॉमेडी बेस्ड मूवी है जिसके रेटिंग है 6.1 की, जिसमें आप लोगों को सतीश नजर आने वाले हैं। बेसिकली यार इस मूवी को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। अब यार ये रिसेंट रिलीज की गई मूवी है तो यार अभी तक मैंने इस मूवी को देखा तो नहीं है, लेकिन कॉमेडी जिस हिसाब से कॉमेडी दिखा रही है और ट्रेलर देखा है उस हिसाब से यार एक महल की कहानी है जिसमें कॉमेडी भर भर के है, तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो आप लोग हिंदी में। गोविंदादरम
नंबर चार पर जो मूवी आती है वो मूवी है सबरी। सबरी मूवी यार 2024 में रिलीज की गई एक थ्रिलर एक्शन बेस्ड मूवी है जिसकी एम रेटिंग है 8.4 की, जिसमें आप लोगों को वारालक्ष्मी नजर आने वाली हैं। बेसिकली यार ये मूवी एक केस के इर्द गिर्द घूमती है जो यार भाई एक बहुत ही खतरनाक विलन कैसे एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है इस कहानी को बताया गया है। बेसिकली यार मूवी ठीक ठाक सी है लेकिन आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट नजर आएगा वो वारालक्ष्मी के इर्द गिर्द नजर आएगा। इसको देखने के लिए अपनी नेट की शक्तियों का यूज जरूर करना। लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो मूवी आती है वो मूवी है जोशुआ। जोशुआ 2024 में रिलीज की गई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसकी एम रेटिंग है 4.6 की, जिसमें आप लोगों को नजर आएंगे वरुण सर। अब यार यहाँ पर एक वरुण सर एक एजेंट के रूप में नजर आने वाले हैं जो यार भाई एक काम को अंजाम देते हैं। बेसिकली यार फुल ऑन एक्शन और भाषा सा दोस्तों रोमांस नजर आने वाला है और भाई एक बहुत ही खतरनाक विलन। तो यार ओवरऑल मूवी ठीक ठाक सी है जिसको आप लोग वॉच जरूर करना यार। बेसिकली यार यूट्यूब पर अवेलेबल है बैम इंडिया मूवीज पर, तो हिंदी में देखना। नंबर दो पर मूवी आती है महाराज, जो 2024 में रिलीज की गई एक ड्रामा क्राइम बेस्ड मूवी है जिसकी एम रेटिंग है 6.5 की, जिसमें यार आप लोगों को आमिर खान के बेटे जुनैद खान नजर आने वाले हैं। बेसिकली यार कहानी है एक ऐसे टाइम की जहां पर यार राजा महाराजाओं के जगह पर भाई साहब महाराजाओं को पूजा जाता था। अब यार उस टाइम पर एक बंदा किस तरीके से उस महाराज का पोल खोलेगा ये आगे आपको देखना है। अंग्रेजों के जमाने का मूवी है तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में है, आप लोग एक बार जाकर एंटरटेन हो सकते हो भाई लोग। हवेली की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, जिनके लिए लड़ रहा हूं वही दुश्मन बने बैठे। नंबर एक पर आती है डबल स्मार्ट शंकर। ये मूवी यार भाई ये मूवी आई तो नहीं है लेकिन आने वाली है और इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। कई सारे भाइयों को तो पता होगा लेकिन जिनको पता नहीं है मैं बता देता हूँ, डबल स्मार्ट शंकर 2024 में आने वाली एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जो यार भाई राम पोथनानी सर की है और संजय दत्त भी इसमें विलन है। ये मूवी आप लोगों को 15 अगस्त के दिन पैन इंडिया रिलीज होते हुए नजर आने वाली है, जिसमें यार ये मूवी चार भाषाओं में हिंदी इंग्लिश और सांस दोस्तों तेलुगु तमिल में रिलीज होने वाली है, जरूर देखना। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ ताकि यार आगे चल के उनकी भी मदद हो सके। हम लोग मिलेंगे इस वीडियो की और भी बहुत सारे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। बस यार गुस्सा मत होना, कुछ अलग वीडियो बना रहा हूँ जिसके कारण।